So hi everyone, this is Mayank Kothari and it's 26 degree Celsius in Nagpur. 9:28 time ho chuka hai, 22 June 2016, and we are in this lecture going to एक्चुअली सी हाउ टू ट्रेड इन द शेयर मार्केट। पिछले इस लेक्चर में हमने बेसिक्स देख लिए थे कि कैसे प्लेटफॉर्म दिखता है, क्या क्या वर्ड्स और क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या आपके सेक्शंस होते हैं उसके अंदर में, और उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं आगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्चुअल में शेयर्स खरीदेंगे कैसे और बेचेंगे कैसे, ये सब। ठीक है, सो लेट्स हैव लुक। शेयर खान में जाते हैं हम। सो दिस इज़ द वेबसाइट MMK90, और मेरा मेंबरशिप पासवर्ड दिस इज ओल्ड बैगेज। ओके कूल। नाउ एंड दिस इज व्हाट। ओके सो ये है आपका प्लेटफॉर्म, ट्रेडिंग अकाउंट। 9:29 हो चुका है। ठीक है, सेंसेक्स 26,812 पॉइंट सुबह से, या 8 पॉइंट सुबह से आपको नीचे जा चुका है। निफ्टी इतना पॉइंट नीचे जा चुका है। ठीक है, USD पर INR मतलब रुपीज़ 0.05 से बढ़ गया। कूल। ठीक है, होम कैश में मेरे पास 11,228 रुपये है। और नाउ वी आर गोइंग टू सी, जैसे ये मैं मार्केट वॉच में जा रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले तो ये वाला सेक्शन डिस्कस कर लेते हैं। होम मैंने आपको बता दिया था, अकाउंट्स मैंने आपको बता दिया था, प्रोफाइल भी आपको बता दिया था, ट्रेड नाउ भी हमने डिस्कस कर चुके थे। अब पहले आते हैं रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स में यानी आपकी इक्विटी की लिमिट अगर चेक करनी है, डेरिवेटिव की लिमिट चेक करनी है, कमोडिटी की लिमिट चेक करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। मतलब एक्चुअल में आपके पास में कितना पैसा है। सो अगर मैं इक्विटी में जाता हूँ तो ध्यान दो, ये जो 11,228 रुपये ना, ये रहा वो 11,228। कमोडिटी और करेंसी में मैंने अभी तक फिलहाल कुछ नहीं रखा, इक्विटी और फ्यूचर एंड ऑप्शन। मतलब 11,228 से आप फ्यूचर्स खरीद सकते हैं, ऑप्शंस खरीद सकते हैं, या इक्विटी में भी ट्रेड कर सकते हैं डायरेक्टली। कमोडिटी के लिए ये वाला सेक्शन है, करेंसी के लिए ये वाला सेक्शन है। कूल cool. तो वापस मैं रिपोर्ट्स में जाता हूँ। लेजर ये मेरे को डिटेल बताएगा पास्ट की, कि कब कब मैंने कौन कौन सा शेयर खरीदा, इक्विटी, डेरिवेटिव और कमोडिटी। डीमैट अकाउंट यानी मेरे एक्चुअल डीमैट अकाउंट में मैं कौन से शेयर्स होल्ड करके रखता हूँ, वो यहाँ से दिखेंगे। व्यू द शेयर्स यू होल्ड। कूल, सो दिस इज इक्विटी। ये डायरेक्ट मेरे को लेके गया मेरे डीमैट अकाउंट में। ठीक है, सो पता चलेगा यहाँ पे। देखो, आपने 1,12,000 की कॉस्ट वाले शेयर्स होल्ड करके रखे हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू अभी चल रही है 1 लाख। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग वी आर एट लॉस। कितना? 11,650 का लॉस चल रहा है। तो तकरीबन तकरीबन वो 10% का लॉस है। ठीक है, अब चार शेयर्स ऊपर चल रहे हैं, चार शेयर्स नीचे चल रहे हैं, इसलिए ये ऐसा बता रहा है। ठीक है, एक ग्रीन जितना भी आपको दिख रहा है वो पॉजिटिव है, तो आप ग्रीन में देख सकते हो, 1, 2, 3, 4 है ना, और रेड आप देखोगे तो निगेटिव है, मतलब वो लॉस में है। तो देखिए, आपने स्टूडेंट वाले अकाउंट में पोर्टफोलियो में कितने आपके शेयर्स जो है पोर्टफोलियो में। सो एक ये पोर्टफोलियो बनाया गया, इसमें अडानी पावर है, एक्सिस बैंक है, बिरला कॉर्ट है, हैवेल्स है, ICICI बैंक है, SBI है, सन फार्मा और यूनिटेक। ठीक है, सो इतने सारे शेयर्स है आपके डीमैट अकाउंट में। कूल नाउ कहाँ गया। नाउ हैव अ लुक। वापस हम जाते हैं रिपोर्ट्स में। ये डीमैट अकाउंट की बात चल रही थी। सो रिपोर्ट्स में वापस गया। दिस इज इक्विटी पोजीशन। अगर आपने कोई पोजीशन लेके रखी है, तो अभी हम शेयर्स खरीद के देखेंगे, तो इसमें पता चलेगा पोजीशन इक्विटी में आएगी। ऑर्डर आपने ऑर्डर प्लेस किया, तो वो यहाँ पे देखेगा कि कौन कौन सा ऑर्डर आपने प्लेस किया हुआ है दिन भर में। ठीक है, बाकी सब चीज़ें तो नॉर्मल है। ये रिपोर्ट्स वाली बात हो गई। मार्केट वॉच मैंने आपको लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिए थे कि मार्केट वॉच में क्या आता है, हम शेयर्स यहाँ डाल के रख सकते हैं। जैसे अभी मान लो, अगर मेरे को कोई नया शेयर्स डालना है, कोई नई कंपनी लेते हैं जैसे रिलायंस। सो अगर आपको रिलायंस चाहिए, तो रिलायंस पावर चलेगा आपको, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड होना, या कौन सा रिलायंस होना, रिलायंस की इतनी सारी कंपनीज हैं यहाँ पे। सो RRL कहाँ गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये। व्हाट वी कैन डू इज री अलायंस हो गया। तो हम एक काम करते हैं, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड, या रिलायंस भी छोड़ो यार, दूसरी कंपनी लेते हैं, टाटा मोटर्स। सो दिस इज टाटा मोटर इक्विटी, ये कोड है उसका 3456।
ये मैंने टाटा मोटर सेलेक्ट किया, अब मैं यहाँ आऊँगा कहाँ पे, ये ऐड वाले बटन पे। तो अभी तक यहाँ पे कहीं टाटा मोटर्स नहीं था और अब टाटा मोटर्स आने के चांसेस है। ये रहा, ये मैंने किया ऐड, अलर्ट सक्सेसफुली एडेड। तो आपको अब कहीं पे तो यहाँ पे टाटा मोटर्स दिखेगा, टी टी टी, ये रहा टाटा मोटर्स। ऑटो ऑटो इंडस्ट्री है, 479 प्राइस चल रही है, 5 रुपये सुबह से ये गिर चुका है। सो दिस इज हाउ वी ट्रेड, सॉरी दिस इज हाउ द वी कैन वॉच द मार्केट। उसके बाद है आपका आईपीओ और बॉन्ड्स, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर या बॉन्ड्स में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो करंटली कोई भी आईपीओ नहीं चल रहा है, इसलिए कहीं पे भी यहाँ पे नहीं दिखा रहा। फिक्स्ड आईपीओ तो यहाँ पे दिखा था एक, अगर एक ही आईपीओ आया हुआ रहता। बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, ये है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एंड सो ऑन। नाउ ये हो गया आईपीओ और बॉन्ड। म्यूचुअल फंड पे आते हैं, सो म्यूचुअल फंड की डिटेल यहाँ से पता चलेगी। म्यूचुअल फंड हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो नहीं। पोर्टफोलियो, जो डीमैट अकाउंट मैंने बोला था, ये अपना वो पोर्टफोलियो जिसमें 4 शेयर पॉजिटिव 4 शेयर नेगेटिव चल रहे थे। सो वी आर एट अ 10% लॉस राइट नाउ, 11,268 का लॉस है, टेम्प्ररी लॉस है। 1,01,000 की मार्केट वैल्यू और 1,12,000 का होल्डिंग प्राइस। चलो इसको भी मैं आपको डिस्कस करवा देता हूँ। ये है स्टॉक नेम पहला आपका कॉलम, ठीक है, इंडस्ट्री। क्वांटिटी मैंने कितनी खरीद के रखी है इसमें, 400 शेयर खरीद के रखे अडानी पावर के, 10,000 शेयर्स बिरला कोट के, 165 शेयर्स आईसीआईसीआई बैंक के, 2,000 शेयर्स यूनिटेक के। होल्डिंग प्राइस मैंने मतलब कितने प्राइस में खरीदे, ये होल्डिंग प्राइस में आएगा। मार्केट प्राइस यानी अभी कितनी प्राइस चल रही है, सो 32 रुपये में खरीद के 30 रुपये मार्केट प्राइस चल रही है, इसलिए लॉस आ रहा है, ठीक है। 517 में मैंने एक्सिस बैंक खरीदा, 519 चल रहा है, इसलिए प्रॉफिट आ रहा है ना। ऐसे करके अगर आप हैवेल्स देखोगे, 258 में खरीदे थे, 370 हो गया, प्रॉफिट आ रहा है। सो दिस इज द टोटल होल्डिंग वैल्यू, होल्डिंग प्राइस इंटू क्वांटिटी इज द होल्डिंग वैल्यू, मार्केट प्राइस इंटू क्वांटिटी इज द मार्केट वैल्यू। अब ये होल्डिंग वैल्यू 13,124 है और मार्केट वैल्यू आपकी 1,20,000, सॉरी 12,060 है, तो कितने का डिफरेंस है, 1,063 का लॉस परसेंटेज में इतना। चलिए हैवेल्स देखते हैं। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट 20 शेयर्स खरीद के रखे थे, 7,000 सॉरी 5,170 में खरीदा था, 7,377 चल रहा है, सो इसका प्रॉफिट भी आपको आ गया यहाँ पे। ये यूनिटेक कंस्ट्रक्शन, ये शेयर्स अभी कुछ 2 4 दिन 5 दिन पहले ही खरीदे हुए थे, सो 5 दिन में मेरे को 20% रिटर्न मिल गया। आपको ये 20% रिटर्न अगर आप बैंक में रखते हैं तो आपको 4 साल लगते हैं, 4-5% के हिसाब से, 4% के हिसाब से। तो सेविंग बैंक अकाउंट में आपको 5 साल लगेंगे इतने रिटर्न के लिए, और ये 5 दिन में रिटर्न दे सकता है। एट द सेम टाइम ये रिटर्न में जितना आपको मैंने पॉसिबिलिटी बताई, रिस्क भी उतना ही है। जैसे 1 साल में आपने 21% लूज कर दिया आईसीआईसीआई बैंक में, सो 21% आप अगर लोन लेते तो 12-15% इंटरेस्ट देना पड़ता सिर्फ, है ना। 21% वैल्यू लूज कर चुका है, सो प्रॉफिट भी है लॉस भी है, अब ये आप पे है कितना और कैसे आपको उसमें ट्रेड करना है। ये आपका कॉलम बताएगा टुडेज प्रॉफिट एंड लॉस, टुडेज PL&L, मतलब आज क्या फायदे हुए। तो आज आप देख सकते हो दिन भर में, सुबह से यानी कितना, 9:15 से 9:37, अभी कितना 9:40 हुआ ना, यानी 20-25 मिनट में 1,100 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। तो आज अगर मैं बेचूँ तो मेरे को ये वाला आज का प्रॉफिट 1,000 रुपये का मिल जाएगा सिर्फ इसमें, ठीक है ना। ये है मार्केट कैप, ये मिड कैप सेक्टर है, लार्ज कैप यानी लार्ज कैपिटलाइजेशन वाले बैंक है ये। एक्सिस बैंक तो बड़ा है ना, अब मिड कैप वाला देखो, हैवेल्स छोटा है तो मिड कैप, आईसीआईसीआई बैंक लार्ज कैप में आ रहा है। सो आपको दिखेगा मेरे पोर्टफोलियो में एक तो पावर इंडस्ट्री है, बैंक्स भी है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट भी है, फार्मास्यूटिकल भी है और कंस्ट्रक्शन भी है। सो इट्स डाइवर्सिफाइड, प्लस 7-8 शेयर्स है तो 1-2 शेयर्स पर मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है। प्लस मार्केट कैप में भी आपने मिड कैप और लार्ज कैप दोनों तरह के शेयर्स आपको खरीदे हुए हैं। ये हाईएस्ट और लोवेस्ट बताता है, 29 और 31, मतलब आज के सेंटिमेंट से ये। सो दिस इज द पोर्टफोलियो, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज एग्जैक्टली एक्चुअली ट्रेड, ठीक है, इन शेयर्स। सो कौन से शेयर्स हम खरीदना चाहते हैं इस पर डिपेंड करता है व्हाट वी कैन डू टुडे। आप भी तो सब कुछ ऊपर ही चल रहा है, ये देखो 10 10 पॉइंट ऊपर आ गया मार्केट सेंसेक्स, है ना।
हाँ तो हमने कौन से शेयर्स खरीदना चाहिए, आज कौन से शेयर्स खरीदें, चलो पहले देखते हैं मार्केट वॉच में। रैंडमली हम शेयर्स खरीदेंगे, ठीक है। मारुति आईसीआईसीआई बैंक 2 रुपये ऊपर चढ़ा है, और टेक महिंद्रा 4 रुपये। कोई छोटा मोटा शेयर खरीदते हैं ताकि हमको थोड़ा सा पता चलेगा। सो ट्रेड नाउ में जाते हैं। एनएससी, जेपी एसोसिएट, जयप्रकाश एसोसिएट, कूल। ठीक है, ये तो सिर्फ 0.05 से, इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। कोई चेंज वाला होना ना अपन को। एक काम करते हैं, हैवेल्स का शेयर खरीद सकते हैं हम, उसमें चेंज नहीं है। मुझे आपको दिखाना है चेंज, तो ऑब्वियसली मेरे को एकदम हाई वोलेटाइल वाला शेयर खरीदना पड़ेगा। जैसे ईचर मोटर का, ईचर मोटर तो बहुत बड़ा है भाई। मारुति ले लो, मारुति में भी कोई मज़ा तो आना है नहीं आपने। एनएससी टॉप गेनर्स, चीज़ें बहुत सारी है बताने को, लिमिट के बाहर। ये देखो भाई, ये देखो, कंपनी की लिमिट नहीं है यहाँ पे अपने पास। चलिए ट्रेड नाउ में जाते हैं, मैं हैवेल्स डालता हूँ। आ रहा क्या? हैवेल्स इंडिया 367.70, बाय। कितनी क्वांटिटी बाय करनी है हमने? 20। यार रुको यार, छोटा मोटे ट्रांजेक्शन करके देखते हैं ताकि रिस्क ना रहे, क्योंकि अभी तक कोई सिक्योरिटी मैंने जज नहीं किया यहाँ पे, तो कोई भी शेयर ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदना नुकसानदायक रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा इज़ अ गुड शेयर। नेटवर्क 18 इज ऑल्सो गुड शेयर। सब मार्केट ऊपर चल रहा है यार। हैवेल्स गुड, चलो ट्रेड नाउ। हैवेल्स फाइनल करते हैं। सो दिस इज हैवेल्स, ये मैंने किया बाय। ठीक है कूल। कितनी क्वांटिटी हमने खरीदना है? हमने खरीदना है सिर्फ 5 या 10 ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं। कितने में खरीदना है? यहाँ 369 चल रहा है, मैं 368.90 डाल देता हूँ कि इतने में मैंने ये शेयर खरीदना है। ठीक है, मैंने कम प्राइस डाली है, तो अगर मैंने कम प्राइस डाली है ना, तो मेरे को अभी नहीं मिलेगा शेयर जब तक यहाँ पे ये 368.90 नहीं आता। जैसे अभी आ गया तो मैं डाल सकता था, ये 75 हुआ तो मैंने 75 कर दिया। नाउ प्लेस न्यू ऑर्डर। अब देखो 368.75 चल रहा है, इसमें 15% मार्जिन लग रहा है, तो मेरे को कम से कम, मेरे पास 553 रुपये होना ज़रूरी है टोटल शेयर्स खरीदने के लिए। मैं कितने शेयर्स खरीद सकता हूँ? मैं अगर 50 डालूंगा तो 2765 हो रहा है। आप बाइंग मार्जिन पे ध्यान देना, ठीक है, जैसे मैं शेयर्स चेंज करता हूँ। मैं अगर 500 डालता हूँ तो 27,000 रुपये मार्जिन लगेगा, मेरे पास अभी 11,000 रुपये हैं। सो वॉट आई कैन डू इज़ लाइक 200 शेयर 11,000 रुपये में आ सकते हैं, तो हम एक काम करते हैं 170 डालते हैं। ठीक है, 368.55 पे, और प्लेस कंफर्म। अब देखो ये कंफर्मेशन ऑर्डर है, ठीक है। आपने ऑर्डर जो दिया था वो है हैवेल्स का बाय करने के लिए, कितनी क्वांटिटी? 170। लिमिट ऑर्डर कितनी? 368.55। मैं आपने गुड फॉर द डे में वैलिडिटी डाली थी। अब लेटेस्ट स्टेटस यहाँ बताएगा आपको कि डेट क्या था, टाइम क्या था, और ऑर्डर फुल्ली एग्जीक्यूटेड, मतलब आपको शेयर्स मिल चुके हैं। अगर नहीं मिले होते तो पेंडिंग दिखाता जब तक वो प्राइस नहीं आती, तो मेरे को मिल चुके हैं शेयर्स। अब इसमें क्या चेंज आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, कितना लॉस हुआ, ये मेरे को यहाँ पता चलेगा। सी मार्क टू मार्केट मार्जिन दिख रहा है, मतलब 42 रुपीज़ का मेरे को नुकसान हो चुका है। किस में? हैवेल्स में। अभी तक ये 8 रुपये अभी ऊपर नीचे हो रहा है, ये एक्चुअल में जाके देखते हैं वहाँ पे। आपको जाना पड़ेगा रिपोर्ट्स में, पोजीशन, क्योंकि मैंने अभी बाय पोजीशन ली है ना, तो बाय में पोजीशन में जाऊंगा इक्विटी में।
तो ही आपको दिखेगा कि आपने हैवेल्स के शेयर खरीद कर रखे, इन्वेस्टमेंट आप लॉन्ग हो क्योंकि आपने बाय किए तो आप लॉन्ग हो, कितनी क्वांटिटी 170 ये प्राइस पे, ठीक है। तो ये मार्केट की प्राइस अभी 368.30 चल रही है, यानी 25 पैसे और कम हो गया, ठीक है, और ये 42.50 का हमको नुकसान हुआ है अभी तक। सो दिस इज़ द लेटेस्ट स्टेटस। अब अगर मैं बेचना चाहूँ तो यहाँ पे बेच दूंगा और मेरे को 51 रुपीज़ का नुकसान हो चुका होगा। टोटल शेयर है 62,653, ठीक है। अब ध्यान दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपके लिए सीखने के लिए। आपके पास 62,000 के शेयर्स आपने खरीदे जबकि मेरे अकाउंट में सिर्फ 11,000 रुपये थे, ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल होता है। आपको ये पेमेंट 62,000 का आज नहीं करना पूरा का पूरा, आपको ये पेमेंट कल तक या परसों तक, T+2 यानी ट्रेडिंग डे आज का है मेरा 22 जून का, तो मेरे को 24 तारीख तक ये पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाके ये शेयर्स मेरे पास बने रहेंगे। सो आपको इमिजिएटली पेमेंट नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ एक मार्जिन अमाउंट लगता है जो आपके अकाउंट में होना ज़रूरी है। सो मेरे पास 11,000 रुपये तक का बैलेंस था, उससे मैं खरीद सकता था 62,000 के शेयर। अब बाकी का बैलेंस मैंने कल तक जमा करा देना है, कल परसों तक मैं जमा करा सकता हूँ। सो दिस इज इट, दिस इज हाउ वी ट्रेड इन शेयर्स। थोड़े टाइम बाद आएंगे, वापस देखेंगे इसमें कितनी प्राइस हुई और हम क्लोज आउट कर देंगे इस पोजिशन को, प्रॉफिट हो या नुकसान हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो दिस इज इट एनफ फॉर द लेक्चर।